नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। अगले टॉपिक का नाम क्या है? करंट डेंसिटी। देखो यहां पे करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि ये कोई वायर है अपने पास में, ये क्या है, ये कोई वायर है, कहीं से ये मोटा है कहीं से पतला है। इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहां पे जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए वन, और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है यहां पे इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए टू। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसकी थिकनेस अलग अलग है। अब मान लो इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना आई, इधर से करंट इंटर करेगा इस वाले सिरे से और दूसरे वाले सिरे से करंट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। पूरे वायर में करंट सेम रहेगा, चाहे वायर मोटा हो पतला हो कैसा भी हो, पूरे वायर में एक ही करंट फ्लो होगा क्योंकि करंट के लिए एक ही रास्ता है यहां से यहां तक। तो पूरे वायर में जो करंट फ्लो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो यहां पे ज्यादा आएगा क्योंकि आई करंट इतने से क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है और यहां पे आई करंट इतने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है। तो पर यूनिट एरिया जो करंट की वैल्यू है वो यहां पे ज्यादा आएगी और यहां पे कम आएगी। तो ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसको हम जे के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एट दैट पॉइंट। करंट डेंसिटी हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन की जाएगी, पूरे वायर के लिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि पूरे वायर के लिए अलग अलग जगह पे थिकनेस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा तो करंट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए हम इसको पूरे वायर के लिए डिफाइन नहीं करते, इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है करंट को उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे। सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। दूसरी बात, जैसे मान लो कि ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे अगर मुझे करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस वाले पॉइंट पे, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, J1 इक्वल टू आई अपॉन ए वन, और इस वाले पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो J2 इक्वल टू आई अपॉन ए टू। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करके देखेंगे। कई बार हो सकता है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं हो, वायर को टेढ़ा काटा हुआ हो और वो वाला एरिया दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो वायर है ये मैंने इसको देखो टेढ़ा काटा हुआ है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नहीं दे रखा। टेढ़ा काटेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोलते। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, वायर को परपेंडिकुलर कट करने पे जो एरिया आपको दिखाई देता है, परपेंडिकुलर काटने पे ये जो एरिया दिखेगा ना इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, वो तो कोई एरिया सपोज करो ए है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाला जो एरिया है, इतना इतना जो एरिया है उसको मैंने ए से डिनोट किया है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है। मान लो वायर में जो करंट फ्लो है वो है आई, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट के ऊपर अगर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, करंट को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो गिवन ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, देखो इसको समझते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, मतलब एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं इस एरिया के कंपोनेंट्स कर दूं, दो कंपोनेंट्स करते हैं, एक तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, ये तो आएगा ए कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन थीटा। ऐसे हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए। अब जब हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे जो एरिया होता है, देखो ये वाला जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो करंट को कौन से वाले एरिया से डिवाइड करते हैं, जिसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहां पे जब मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाई, तो ये करंट की डायरेक्शन में आ रही है। तो करंट की डायरेक्शन में जो एरिया है, वो वाला जो एरिया ना जो करंट की डायरेक्शन में होगा, वो आपको लेना होगा। तो अब देख के बताओ कि इस एरिया के, ये वाला जो एरिया, जब इसके आपने दो कंपोनेंट्स किए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, ए कॉस थीटा। तो अगर आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना हो इस वाले वायर के लिए, तो क्या लिखोगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा
ये लिखना है, ना कि आई अपॉन ए। बात समझ में आई क्या? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देके कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एरिया दे दिया, तो उसका जो एरिया वेक्टर है उसका कंपोनेंट ले लो। कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है? हमेशा जो करंट की डायरेक्शन में है, और उस कंपोनेंट को करंट को उस कंपोनेंट से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। करंट तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों मानी गई है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करूं, तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये इधर ले जाओ, जे ए कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा कब आता है? जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर्स का। तो क्या मैं इसको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, जे डॉट ए, क्योंकि जे और ए, जे मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और ए मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या मान ली? अगर करंट को आप वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हो, देखो इसको करंट डेंसिटी को हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर क्यों किया? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। हम जानते हैं कि जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो करंट डेंसिटी को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी मानूंगा और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा एरिया वेक्टर के साथ, तो ये आएगा जे ए कॉस थीटा। ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जो कि करंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है उसको हमको क्या मानना है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मानना है। और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? जो करंट की डायरेक्शन है। अगर मैं आपको बोलूं कि भी किसी भी पॉइंट पे किसी वायर में करंट फ्लो रहा है, तो वहां पे जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जो भी करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ठीक है। इस पॉइंट पे भी इधर होगी। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको क्या मानना है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को कंसिडर करना है, यहाँ पे इधर। तो जिस भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन देख रहे हो, उस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है उसी को क्या मानना है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करना है। तो वैक्टर फॉर्म में लिखोगे तब तो ऐसा लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। बाकी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह टेढ़ा मेढ़ा काटा हुआ वायर और उसका एरिया दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके कौन सा? J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखने वाला पॉइंट है, करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखने वाला पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का मतलब क्या है? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल फॉर द चार्ज कैरियर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव करेगा तो उसको जो अपोजिशन मिलेगा कंडक्टर के अंदर, उसी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स को कंडक्टर के अंदर मूव करने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स को यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है या रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो ये जो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है, इसका जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। जैसे जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसको कैपिटल जी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस का मतलब है किसी भी मटेरियल से जब चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो उसको कितना आसानी होगी, कितना इजीली वो मूव कर पाएंगे। जैसे रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? कितनी डिफिकल्टी होगी चार्ज कैरियर्स को मूव करने में। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर ईजिली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कंडक्टेंस मतलब ईजिली उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर पा रहे होंगे। तो सिंपल सा मतलब ये समझना है कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका कंडक्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल सी बात अभी। ठीक है। जो कंडक्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसका उल्टा कर दो। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, जिसको हम ओम के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको हमने कंडक्टेंस बोला, तो जो यूनिट है उसका भी उल्टा कर दो।
रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। तो ओम का उल्टा यानी कि ओम इनवर्स, या फिर जो ओम OHM हम लिखते हैं इसका उल्टा करो तो MHO, ये भी इसकी यूनिट मानी जाती है, महो बोलते हैं इसको। तो जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स या फिर महो। एक और सिंबल होता है इसके लिए साइमंस, ये कैपिटल S का सिंबल होता है, ये भी साइमंस बोला जाता है इसको, ये भी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो कंडक्टेंस की देखो तीन यूनिट हम बोल सकते हैं, पहली यूनिट क्या है ओम इनवर्स, दूसरी महो और तीसरी साइमंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं, उसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसी का नाम क्या है? कंडक्टिविटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बताओ। तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर दो, या फिर महो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो साइमंस मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मीनिंग है। देखो किसी भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होता है। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है। इसी तरीके से रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसका नाम क्या है? कंडक्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, क्लियर है, छोटी सी चीज़ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि कोई वायर है और उस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब उस वायर में जो करंट फ्लो होगा उसकी जो डेंसिटी होगी यानी कि करंट डेंसिटी, जो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, अगर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो इससे क्या बनेगा? वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो उन सब में आपस में रिलेशन क्या है वो हम फाइंड करके देखेंगे। जैसे ये एक वायर हमने दिखा रखा है, और ये जो वायर है जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे इसमें करंट फ्लो होगा, सपोज करो वो करंट है आई। मान लो कि इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, तो इस करंट को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास? करंट डेंसिटी। वायर के क्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो वायर के अंदर क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये बन गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इन सब में आपको रिलेशन फाइंड करना है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, इस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है उनके बीच में आपको रिलेशन बनाना है। देखो रिलेशन कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। वैसे एक माइनस का सिंबल भी होता है यहाँ पे, वो माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। तो ये माइनस का सिंबल मैंने लगाया नहीं है क्योंकि सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला आप जानते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होती है ई टो बाई एम के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एन ई ए, और वी डी की जगह क्या लिखेंगे ई टो बाई एम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो E और E है इसको मल्टीप्लाई करके E स्क्वायर बोल सकते हो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो A है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, इसको तो I के नीचे लिख दो, तो I अपॉन A, ये तो बन जाएगा करंट डेंसिटी, ठीक है। इधर क्या आएगा N E स्क्वायर टो बाई M इंटू E, ये आएगा, ठीक है। अब I अपॉन A को मैंने लिखा करंट डेंसिटी J। ये जो फॉर्मूला है एन ई स्क्वायर टो बाई एम, क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या? याद करो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या ये इसका उल्टा है क्या? है ना, तो इसका मतलब ये वन अपॉन रो की वैल्यू है इंटू ई, और वन अपॉन रो को ही हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी। रो मतलब रेसिस्टिविटी, और इसका जो उल्टा होता है उसी का नाम क्या होता है? कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो ये आ गया अपने पास में करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, सिंपल है एकदम, ठीक है।
तो ये रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा लेना इसके ऊपर। क्लियर है बात एकदम? ठीक